मैचिंग चूड़ी, चप्पल, दुपट्टा, पीको, मेहंदी, काम, हजार वक्त कम और मुल्क भर में ईद की गहमा गहमी को टॉप गियर लग गया है। इफ्तारी के बाद मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है, तिल धरने को जगह नहीं है। दुकानदार भी मौके से फायदा उठाने लगे हैं। ग्राहकों और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव उरूज पर है। ईद गहमा गहमी पर हलवाइयों की भी ईद से पहले ईद हो गई। रिवायती कचोरियों और मिठाई की डिमांड बढ़ते ही दाम भी बढ़ा दिए। सेवाइयों की तैयारी से लेकर स्पेशल केक्स के ऑर्डर दुकानदारों के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। मारूफ ब्रांड्स ने 24 घंटे पहले ही ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। ब्यूटी पार्लर्स और मेन सैलून्स पर भी रश बढ़ गया है। सियासी सरगर्मियां भी ईद तातीलात पर। शहबाज शरीफ मॉडल टाउन, इमरान खान बनीगाला, आसिफ जरदारी नवाब शाह, फजलुर रहमान डीआई खान और बिलावल भुट्टो बहन के हमराह दुबई में ईद के मजे दोबाला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा समेत कबायली इलाकों में भी आज ईद मनाई गई। ईद इस्तेमाल के लिए खसूसी इकदाम किए गए। चांद रात पर तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर खिलाड़ी कौमी और पार्टी परचम लेकर निकल पड़े। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। तरानों पर कारकुनान पुरजोश। कप्तान का आवाम को लॉन्ग मार्च में शिरकत का पैगाम पहुंचाया। अवाम ने कराची एयरपोर्ट पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का घेराव कर लिया। धक्के दिए, चोर चोर के नारे लगाए। शहबाज गिल ने वीडियो ट्वीट कर दी, कहा अब इस वाकये पर किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है। अमरीका फर्मा बरदार और कठपुतली वजीर आजम का खाहां था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुरासले पर कमीशन और ओपन समाज का मुतालबा कर दिया। बाइडन इंतजामिया से सवाल किया कि मुंतखब वजीर आजम को हटाकर कठपुतली को लाया गया। इस इकदाम से पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात को तकवीत नहीं मिली। अमरीकी दिफा तजियाकार रेबेका ग्रांट ने एतराफ कर लिया, कहा इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में अमरीका का किरदार था। इमरान खान समेत और दीगर के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमा चैलेंज। पीटीआई इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा पहुंची। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला ने छुट्टी के रोज अदालत लगा ली। फवाद चौधरी को हिरासा न करने की हिदायत। 9 मई को आइंदा समाज तक कोई कार्रवाई ना की जाए। शहबाज गिल की अमरीका से वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। हमारी सियासत छा जाएगी या गर्क हो जाएगी। कबल इस वक्त इंतखाबात के लिए इमरान हुकूमत से बात के लिए तैयार है। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर लॉन्ग मार्च के शुरका वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद का इंटरव्यू, कहा इदारों से किसी सूरत महाजाराई नहीं चाहते। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मस्जिद नबी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।